बिहार अपने बौद्ध तीर्थ स्थलों के लिए आज विश्व भर में प्रसिद्धि पा रहा है। इसकी काफ़ी ठोस वजह है जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत के तौर पर मिली है। जहां एक तरफ विश्व प्रसिद्ध वैशाली और बोधगया स्थित है, वहीं वैश्विक स्तर पर प्रासंगिकता वाला चंपारण भी इसी बिहार में मौजूद है। यहां बौद्ध काल के कई स्मारक पाए गए हैं। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ अभी भी इस जिले के अलग अलग हिस्से में सुरक्षित है। 2200 वर्ष पूर्व के इस भव्य विरासत को देखकर आप आह्लादित हो जाएंगे। इस विरासत को देखकर यह प्रतीत होता है कि इस पावन धरती की सांस्कृतिक विरासत काफी महत्वपूर्ण है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होगा कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक, धार्मिक और व्यवसायिक रूप में 2200 वर्ष पहले भी विरासत का केंद्र बिंदु था। यह है पश्चिमी चंपारण स्थित शहर लौरिया नंदनगढ़, जो कि इतिहास के कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। वहीं पूर्वी चंपारण स्थित केसरिया स्तूप, जो आज भी अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। चंपारण तो वैसे अतीत में घटी कई घटनाओं का साक्षी रहा है, लेकिन इस शहर के मुख्य आकर्षण का केंद्र केसरिया स्तूप और अशोक स्तंभ सहित कई टीले हैं, जो मौर्य काल के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। यहाँ केसरिया स्तूप के अलावा और भी स्तूप हैं, लेकिन केसरिया स्तूप दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है और यहाँ के कई स्तूप और स्तंभ बौद्ध धर्म के अपने रहस्यों को छिपाकर खामोश पड़ा है। यहाँ आपको पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में स्थित टीलों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, आपका सिर चकराए। इससे पहले आपको बता दूं कि केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में स्थित है, वहीं लौरिया नंदनगढ़ स्थित अशोक स्तंभ पश्चिमी चंपारण में है। लौरिया नंदन स्थित अशोक स्तंभ के करीब मौजूद टीला ये भी पश्चिमी चंपारण में स्थित है, वहीं लौरिया अरेराज भी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन यहाँ आपको जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। अब बिना वक्त जाया किए मैं आपको पूर्वी चंपारण स्थित केसरिया स्तूप के किस्सों और रहस्यों से रूबरू करवाऊंगी, जो आपको रोमांचित करेंगी। बौद्ध मान्यताओं के मुताबिक गौतम बुद्ध इसी स्थान पर अपने राजसी वस्त्र एवं गहने उतारकर फेंक दिए। यहीं पर अपने बालों का भी त्याग किया और एक तपस्वी के वेशभूषा और चरित्र को ग्रहण कर लिया। महात्मा बुद्ध लंबे अंतराल के बाद अपनी मृत्यु के पूर्व वैशाली से कुशीनगर जाते समय चंपारण होते हुए गए थे। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के जिला मुख्यालय बेतिया से करीब 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव लौरिया नंदनगढ़ या इसके आसपास के लोगों का मानना है कि उनकी राख या उनके अंतिम संस्कार से लिया गया चारकोल यहीं किसी स्तूप में रखा है। ये स्तूप और स्तंभ 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल के 21वें वर्ष में बनाया गया था। इन स्तंभों में उस राजवंश के अभिलेख और स्मारक आज भी मौजूद हैं। उस जमाने में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ को लौर कहा गया है और उस लौर के 100 गज करीब पड़ोस में जो भी गांव या कस्बा हो उसे लौरिया के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि राजा अशोक ने पाटलिपुत्र, जो अभी पटना के नाम से प्रसिद्ध है, से अपनी यात्रा शुरू की थी और वे चंपारण जिले के केसरिया गाँव, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ से गुजरते हुए रामपुरवा गाँव गए। इन सब स्थानों में राजा अशोक ने ही स्तूप अथवा स्तंभ, जिसे लौर भी कहते हैं, बनवा दिया था। लेकिन इस बात का प्रमाण तब मिला जब ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में पूर्वी चंपारण स्थित इस केसरिया स्थल का दौरा किया। पहली बार इन्होंने इस टीले नुमा स्तूप की खोज करने का दावा किया, जिसे स्थानीय रूप से रानीवास के रूप में जाना जाता था, लेकिन खुदाई में इसके बौद्ध धर्म से जुड़े होने के हर तरह के प्रमाण मिले। हालांकि कनिंघम ने खुद अपने रिपोर्ट में बताया है कि पर्वतारोही B.H. हॉडसन इस धरोहर का उनसे पहले से पता था। 1835 में जेम्स प्रिंसेप के जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने हॉडसन की एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया था, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं प्राप्त की गई। बता दें कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान हुए, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक भी माना जाता है। कनिंघम की रिपोर्ट बताती है कि इस स्तूप की कुल ऊंचाई 62 फीट और नीचे का घेरा 1400 फीट है, जो कि 7वीं सदी का बताया गया है। कनिंघम कहते हैं कि ऊपर का स्तूप एक बहुत पुराने और बड़े स्तूप के भग्नावशेष पर बनाया गया है। उन्होंने अपने एक रिपोर्ट में बताया है कि इस प्राचीन स्मारक को यहाँ के स्थानीय लोग राजा बेन का देवड़ा के नाम से जानते थे। पास के दूसरे टीले को रनिवास का भग्नावशेष बताते थे।
जहां राजा बेन की रानी पद्मावती स्नान करती थी। 3,000 फीट लंबा एक दूसरा तालाब राजा बेन का तालाब कहलाता है। वहीं रनिवास नामक टीले को इतिहासकार एक बौद्ध मठ का भग्नावशेष बताते हैं। कनिंघम को यहां खुदाई के दौरान इसके अंदर एक मंदिर मिला था जिसमें बुद्ध की एक विशाल मूर्ति थी। यह मूर्ति 1878 में एक बंगाली कर्मचारी द्वारा हटा दिया गया। आपको बताते चले कि मैकेंजी द्वारा 1814 ईस्वी तथा अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1861 ईस्वी में इस स्तूप का उत्खनन किया गया। वहीं मैकेंजी तथा कनिंघम द्वारा अन्वेषित इस स्तूप का उत्खनन 1997-98 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना सर्किल द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे तत्पश्चात पुरातत्व उत्खनन शाखा तृतीय द्वारा 2018 में फिर से आगे बढ़ाया गया। 6 स्तरीय यह संरचना एक वृत्ताकार बौद्ध स्तूप है जो ईंटों एवं मिट्टी के गारे से निर्मित है। इसके शीर्ष में लगभग 10 मीटर ऊंचा तथा लगभग 22 मीटर व्यास वाला बेलनाकार विशाल अंडभाग है। स्तूप की कुल ऊंचाई लगभग 31.5 मीटर तथा व्यास 123 मीटर है। बात करें लौरिया नंदनगढ़ स्थित स्तूप की, तो यह पश्चिमी चंपारण जिले के मुख्यालय बेतिया से 14 मील की दूरी पर स्थित दो छोटा छोटा टीला है जिसे स्तूप कहा गया। यहाँ स्थित अशोक का स्तंभ 32 फीट और 9.5 इंच लंबा है, जिसके निर्माण हेतु बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया और साथ ही स्तंभ के शीर्ष पर एक गोलाकार अबेकस है जिस पर सिंह की मूर्ति है। अलेक्जेंडर कनिंघम अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि स्तंभ अब लिंगराम के रूप में पूजा की वस्तु बन गया है। कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि खुदाई में मिले चांदी के सिक्कों में से एक छोटा पंच चिन्हित सिक्का मिला। ये सिक्के निश्चित रूप से सिकंदर महान के समय के पहले के हैं और मेरा मानना है कि उनमें से कई 1000 ईसा पूर्व से भी पुराने हैं, बल्कि शायद उससे भी पुराने। एक अन्य लेखक के मुताबिक लौरिया नंदनगढ़ की इस खुदाई में कई प्रकार की आदिम मूर्तियाँ भी मिली हैं। यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लगा बोर्ड बताता है कि ये टीले मिट्टी या कच्ची ईंटों के बने स्तूप हैं जिन्हें पक्की ईंटों से मजबूत किया गया। इनमें दो स्तूपों में राख और आदमी की जली हुई हड्डियों के साथ सोने के पत्थर पर बनी देवी की मूर्ति पाई गई थी। ऐसी ही मूर्ति पिपरावा बस्ती जिला के बौद्ध स्तूप में भी मिली थी। कई लोगों का यह भी मानना है कि जिस भी इंसान का इस दुनिया से मोह माया खत्म हो जाता था, वो सब कुछ त्याग कर इसके अंदर प्रवेश कर जाता था। इसमें जाने के लिए ऊपर से रास्ता बनाया गया था, लेकिन बाहर आने के लिए कोई रास्ता नहीं था और उस व्यक्ति की उसी टीले के अंदर मृत्यु हो जाती थी। लौरिया अरेराज ये पश्चिम चंपारण में गोविंदगंज थाने से 4 मील उत्तर है, जो केसरिया और बेतिया के बीच में पड़ता है। यहाँ पत्थर का बना एक अशोक स्तंभ खड़ा है। रामपुरवा पश्चिमी चंपारण जिले के बिल्कुल उत्तर भाग में गौनाहा से कुछ दूर पिपरिया गांव के पास से यह गांव है। यहाँ अशोक के दो खंडित स्तंभ हैं जो जमीन पर खड़े होने के बजाय पड़ी हुई अवस्था में है। बता दें कि अंग्रेजों ने चंपारण के सन 1866 में ही स्वतंत्र इकाई बनाया था, लेकिन 1971 में इसका विभाजन कर पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण बना दिया गया। बौद्ध धर्म से जुड़े इन तमाम धरोहर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है। अगर आपका कभी चंपारण जाना हुआ तो आप यहाँ ज़रूर जाएँ।